नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, कल 9 नवंबर को तेजस्वी यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। तो वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने तेजस्वी को दिया है बहुत बड़ा गिफ्ट, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। हम महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कल अपना जन्मदिन मनाया। अपने छोटे भाई को शुभकामनाएं देने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस साल तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, वह गिफ्ट है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी। उन्होंने कहा कि जनसैलाब उमड़ा हुआ है और नीतीश कुमार को जनता ने नकार दिया है। हम किसी एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं, हम तो जनता को देख रहे हैं। बेरोजगारी के सवाल पर लोगों को में गुस्सा है। तेज प्रताप ने कहा, नीतीश कुमार ने कई घोटाले किए हैं और किसानों को भी ठगा है। तेजस्वी 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव को राहुल गांधी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, राज्य के ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। जी हां, 38 जिलों में बनाए गए हैं 55 मतगणना केंद्र। पटना, भागलपुर समेत कई शहरों में वैकल्पिक रास्तों से जरिए घर पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होने वाली है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र को लेकर राजधानी पटना समेत अनेक शहरों में ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। मतगणना के दौरान इन केंद्रों के आसपास की कई सड़कें बंद रहेगी। पटना में AN कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है। कॉलेज के बाहर से लेकर हड़ताली मोड़ और पानी टंकी तक करीब 500 जवान की तैनाती रहेगी। बोरिंग रोड में वाहनों की परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आर ब्लॉक दीघा 6 लेन के सर्विस रोड को पानी टंकी से शिवपुरी तक बंद कर दिया गया है। यहां बांस बल्ले के साथ लोहे की जाली लगाई गई। दूसरी ओर गया की बात करें तो गया में जगजीवन कॉलेज, अनुग्रह नारायण कॉलेज और गया कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है। भीड़ बढ़ने की स्थिति में कॉलेज जाने वाले और आने वाले रास्तों को रोका जाएगा। बात करें भागलपुर की तो यहां पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI को मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसको लेकर शहर में सोमवार के रात 10 बजे से मंगलवार के रात 9 बजे तक भारी वाहनों पर रोक रहेगी। बात करें मुंगेर की तो यहां पर कोड़ा मैदान से RD&DJ कॉलेज जाने वाले सभी वाहनों को अंबे चौक से साहजू बोर रोड या कोणार्क रोड से जाना होगा। और किसी भी जगह की जानकारी अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बिहार चुनाव रिजल्ट से पहले NDA ने बनाई नई रणनीति, नए समीकरण पर नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले सत्तारूढ़ NDA ने संभावित परिस्थितियों के मुताबिक अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एग्जिट पोल अनुमानों के बाद परोक्ष रूप से विभिन्न स्तरों पर गैर NDA उम्मीदवार से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया गया है। इसमें वह नेता शामिल है जिसके चुनाव जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। NDA के नेताओं का दावा अपने बहुमत का है, लेकिन अगर नतीजों में NDA बहुमत से कुछ सीटें दूर रहता है तो जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश भी की जाएगी। एग्जिट पोल अनुमान के बाद चिंता तो है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि नतीजे इस तरह के एकतरफा नहीं होंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार चुनाव नतीजों के अनुसार सभी तरह की संभावनाएं तलाश जाएगी। इसके लिए पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है। बिहार में कहीं बहुमत चोरी ना हो जाए, MP और राजस्थान जैसी घटना को रोकने के लिए राजद कांग्रेस हाई अलर्ट। रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे ऑब्जर्वर बनाए गए। जी हां, एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत अनुमान के बाद अब राजद कांग्रेस को डर है कि कहीं उनका बहुमत चोरी ना हो जाए। इससे बचने के लिए कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजमेंट प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, बिहार प्रभारी सचिव वीरेंद्र राठौर को बिहार भेज दिया है। वहीं राजद ने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट किया है कि वे स्ट्रांग रूम के पास मुस्तैद रहें, भ्रष्ट अफसर EVM में फेरबदल की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस को डर है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायकों के टूटने जैसी घटना बिहार में भी ना हो जाए। इसको रोकने के लिए सुरजेवाला और राठौर के बाद अब छानबीन कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, कर्नाटक से सांसद नासिर हुसैन, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी सोमवार को पटना पहुंचे हैं।
वहीं दूसरी ओर भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज का दावा है कि फेल होगा एग्जिट पोल, एनडीए की बनेगी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकतर एग्जिट पोल में भले ही राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई हो, लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पक्ष में आएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मतगणना के एक दिन पहले सोमवार को दावा किया कि बिहार में भारी बहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज के दिन मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। तो वहीं कांग्रेस के सुरजेवाला बोले, तेजस्वी का सीएम बनना तय, बिहार में सत्ता ही नहीं पूरी व्यवस्था बदलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। लोगों ने बदलाव पर मुहर लगा दी है, लेकिन यह चुनाव केवल सत्ता बदलने का नहीं था, हमें पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है, तरक्की और रोजगार पर ध्यान देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू की तरह हमने कभी भी हिस्सेदारी की बात नहीं की है, किसी पद की चर्चा नहीं की। टिकट बंटवारे के समय भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पर सब कुछ आसानी से तय हो गया। सरकार गठन में भी कोई परेशानी नहीं है, सुरजेवाला बहुमत आने पर उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती की व्यावहारिक परीक्षा 11 नवंबर से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने विज्ञापन संख्या 20010116 की स्टेनोग्राफर भर्ती व्यावहारिक परीक्षा की तिथियां जारी कर दी है। बिहार एसएससी के ताजा नोटिस के अनुसार 24 नवंबर 2019 को संपन्न हुई स्टेनोग्राफी भर्ती लिखित परीक्षा में व्यावहारिक जाँच परीक्षा के लिए योग पाए गए 1605 अभ्यर्थियों की व्यावहारिक जाँच परीक्षा 11 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक होगी। व्यावहारिक जांच के लिए योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में 865 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 223,477 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,596 कोरोना के एक्टिव मरीज है। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 432 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1144 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 825 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में बिहार का लाल शहीद, सीएम नीतीश ने जताया शोक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे माचिल सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में बिहार के मधेपुरा के जागीर गांव निवासी कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की इस शहादत हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के दौरान हुई गोलीबारी में बिहार के मधेपुरा जिले के बेटे और कैप्टन आशुतोष शहीद हो गए। सावधान, दीपावली से पहले पटना की हवा हुई खतरनाक, नगर निगम सड़कों पर नहीं कर रहा है पानी की छिड़काव। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से पटना की हवा खतरनाक हो गई है। रविवार शाम को राजधानी के वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतम 500 तक पहुंच गया, हालांकि औसत सूचकांक 288 है, यानी राजधानी में शाम की हवा ज्यादा प्रदूषित हो गई है। यह स्थिति लॉकडाउन लगने के बाद यानी मार्च के माह में पहली बार हुई थी। पटना की हवा में धूलकण की मात्रा ज्यादा हो गई है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। दीपावली तक वायु प्रदूषण और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वायु प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण शहर में फैली गंदगी, खुले में निर्माण, सड़क खोदकर छोड़ देना, इससे धूलकण हवा में तैरने लगते हैं, धुंध का कारण भी यही है।
लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना से रांची टाटा समेत झारखंड के इन शहरों के लिए शुरू हुई बस सेवा। जी हां, पटना से टाटा समेत झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए रविवार से फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही परिवहन पर रोक लगने से बिहार झारखंड के बीच बस सेवा बंद हो गई थी। बाद में अनलॉक होने पर राज्य के अंदर बसों का परिचालन भी शुरू हुआ, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से अंतरराज्यीय परिवहन पर रोक लगाने से पटना से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बसों का परिचालन बंद था। शनिवार को झारखंड सरकार की अधिसूचना जारी कर दी, इसकी इजाजत दे दी है और रविवार से पटना से रांची टाटा व धनबाद समेत विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की इजाजत मिलने से पहले भी लगभग एक महीने से चोरी छिपे 4-5 बस मालिक अपनी बसों को पटना रांची के बीच चला रहे थे, लेकिन दोगुना किराया वसूलने के कारण यह यात्रियों को महंगा पड़ रहा था। पटना को मिला दिवाली गिफ्ट, घरेलू गैस कनेक्शन के लिए अब नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क, दाम भी हुआ कम। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा देते हुए उद्योग व होटलों में प्रयोग की जाने वाली पाइपलाइन नेचुरल गैस की दरों में भारी कटौती की है। साथ ही घरेलू गैस कनेक्शन के लिए लगने वाले 354 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया है। साथ ही होटल में प्रयोग की जाने वाली कमर्शियल PNG के रेट में भारी करते हुए 43 रुपये से घटाकर 35 रुपये 58 पैसे SCM कर दिया है। इससे होटल में प्रयोग की जाने वाली PNG काफी सस्ती हो गई है। अगली बड़ी खबर राज्य में छठ पूजा को लेकर है। घाट पर भीड़ कम करने को लेकर नई व्यवस्था की गई है। साथ ही व्रतियों को गंगा जल पहुंचाएगा नगर निगम। छठ महापर्व पर गंगा घाटों के किनारे अधिक भीड़ ना हो और ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही छठ की पूजा करें, इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरुआत की है। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल और DM कुमार रवि ने छठ पूजा समिति, वार्ड पार्षद एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्णय लिया कि प्रत्येक मोहल्ले में नगर निगम के माध्यम से गंगा जल को पहुंचाया जाएगा, ताकि लोग गंगा का पानी लेने के लिए घाटों की ओर ना जाए, घाटों पर भीड़ ना हो तथा लोगों की सुविधाजनक तरीके से गंगा का पानी मिल जाए, इसीलिए प्रशासन ने टैंकर के माध्यम से गंगा जल पहुंचाने का निर्णय लिया है। जिले के करीब 10,000 शिक्षकों को दिवाली में भी नहीं मिलेगा वेतन, 3 महीने का है बकाया। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले की। जी हां, जिले के करीब 10,000 स्कूली शिक्षकों की दीपावली बेरौनक होगी। इन सभी शिक्षकों को बीते 3 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। पहले शिक्षकों को दुर्गा पूजा में अग्रिम वेतन के भुगतान के आदेश के बावजूद वेतन नहीं मिला था। ये शिक्षक जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में नियमित पंचायत, प्रखंड व नगर परिषद में पद स्थापित है। इसमें जिले के लगभग 7,000 पंचायत प्रखंड शिक्षकों को करीब 2,000 से अधिक नियमित प्रारंभिक शिक्षक योजना मद में पदस्थापित लगभग 500 से अधिक प्रधानाध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को अगस्त महीने के बाद से ही भुगतान नहीं किया गया है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का मतगणना कल होने वाला है, जिसमें 9:15 बजे तक आएगा पहला रुझान। नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी का तेज दिखेगा, ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरा चेहरा या दल बाजीगर बनकर उभरेगा, यह मंगलवार की सुबह 9:15 बजे मतगणना के पहले रुझान के साथ ही तय हो जाएगा। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 38 जिलों में 55 स्थानों पर होने वाली मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सुनिश्चित भी कर लिया है कि सभी जिलों में ऑल इज वेल है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।